मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे 10 लाख सरकारी नौकरी का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कल ट्वीट किया गया है और इसमें बताया गया कि आने वाले 1.5 सालों में 10 लाख भर्ती आने वाली है। और ये 10 लाख भर्ती में आईटीआई छात्रों के लिए कितना बहाली रहेगा, किन किन सेक्टर में आईटीआई छात्रों को जॉब मिल सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मोदी जी के ट्वीट पर भी हम चर्चा करेंगे, क्या उनका ट्वीट कितना सही है और कब तक बहाली आ सकती है। इससे पहले अगर आप आईटीआई किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो इजी वे कोचिंग का लाइव क्लासेस 1 जुलाई से हो रहा है। इस लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ट्वीट करके बोला गया है कि 10 लाख भर्ती आ रही है और आने वाले चुनाव पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा, तो बहाली जरूर आएगा। इसलिए तैयारी में लग जाइए, हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और 1 जुलाई से लाइव क्लास आ रहा है और इसमें डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। 500 रुपए का डिस्काउंट टेक्निकल पे है और मैथ और रीजनिंग पे 400 से 200 रुपए तक डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट वहां पर डिस्काउंट कूपन आपको दिखेगा, अप्लाई करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड डिस्काउंट ऑफर है, कम बच्चों के लिए, तो जल्दी कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं उस ट्वीट को जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ट्वीट किया गया है कि 10 लाख भर्ती। यहां पर देख लीजिए, पीएमओ इंडिया प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये ट्वीट है और इसमें बताया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रिव्यू किया गया है सारे डिपार्टमेंट को, जितने भी मंत्रालय है सबको रिव्यू किया गया है। और उस रिव्यू करने के बाद अनुमान लगाया गया है कि 10 लाख सीटें रिक्त हैं जो आने वाले 1.5 सालों में निकाला जाएगा, मतलब आने वाले 1.5 सालों में भर्ती निकाली जाएगी और जहां पे रोजगार दिया जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री का ट्वीट होता है उसके बाद बहुत सारे मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किया जाता है। जैसे आर के सिंह हैं, राजकुमार सिंह माननीय सांसद हैं और मंत्री हैं मोदी मिनिस्टर कैबिनेट में, और इनके तरफ से भी ये बोला गया है कि 10 लाख भर्ती आ रही है और हर मंत्री, जितने भी मंत्रीगण हैं, सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंटल रिव्यू कर रहे हैं। वो लोग भी ट्वीट कर रहे हैं कि जो मोदी जी के द्वारा ट्वीट किया है 10 लाख भर्ती का, वो उसमें सच्चाई है और आने वाली भर्ती है, पिछले आने वाले 1.5 सालों में 10 लाख भर्ती आ जाएगा। और इस पे एक बात और गौर करना है, जो 1.5 साल लिखा गया है तो लोकसभा चुनाव में भी 1.5 साल ही टाइम बचा है। तो जो मोदी जी का ये ट्वीट है, ये आने वाले लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि 2014 के जो सरकार बना था, चाहे 2018 में जो सरकार बनी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो उसमें युवाओं का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से युवाओं को आकर्षित किया जाता है और इस बार जो टाइम दिया गया है 1.5 साल, ये 1.5 साल बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है और 10 लाख भर्ती देकर ये युवाओं को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं। तो इस बार ये बातें गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले 2014 में 18 में बहुत सारे वादे किए गए थे सरकारी नौकरी को लेकर, रोजगार देने को लेकर, लेकिन बहुत हद तक वादा पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार जो एक लिमिटेड चीज़ बोला गया कि 10 लाख हम भर्ती देंगे और आने वाले 1.5 सालों में, तो इसमें सच्चाई है, मुझे तो सच्चाई दिख रहा है। बाकी शायद बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिस पर बताया जा रहा है कि ये फर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए कोई व्यक्ति ये बोलता है कि 1.5 सालों के अंदर में 10 लाख हम भर्ती देंगे, तो उसको मजाक में नहीं लेना चाहिए, मुझे मेरा राय है जहाँ तक, क्योंकि अब इनसे बड़ा कौन है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे देश में के एक लोकल आदमी के द्वारा नहीं बोला गया, ये पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तो इस बात में सच्चाई है और इस बात को ध्यान में रखना होगा। और ये जो ट्वीट है चुनाव के टाइम में नहीं किया गया, ये चुनाव से 1.5-2 साल पहले का ट्वीट है, मतलब अभी का ट्वीट है, अभी 1.5-2 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। तो जब इस तरह का ट्वीट आ रहा है तो इस पर भरोसा करना होगा। अब हम बात करते हैं कि जो आईटीआई किए हुए छात्र हैं, जो आईटीआई कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए सीरियस हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये 10 लाख जो भर्ती है उसमें सबसे ज़्यादा अगर भर्ती होगा तो रेलवे में होगा। कैसे? क्योंकि पिछला जितना भी इतिहास देख लीजिए उठाकर, लोकसभा के चुनाव के टाइम में जो भी बहाली आया है उसमें रेलवे का योगदान सबसे ज़्यादा है। तो इस बार बहुत सारे सुपरफास्ट ट्रेन चलाया जा रहा है, बहुत सारे डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बुलेट ट्रेन का भी निर्माण किया जा रहा है, तो तमाम लोको पायलट की बहाली ज़्यादा रहेगा। लोको पायलट टेक्नीशियन दोनों मिलाकर इस बार भी पिछले के तुलना में उतना ही बहाली रहेगा जितना पिछले बार था। पिछले बार 60,000 के आसपास था, इस बार भी 60,000 के आसपास रहेगा। और दूसरा खुशखबरी यह है कि ग्रुप डी में भी आईटीआई को इंक्लूड कर दिया गया है।
अब ग्रुप डी का जो भर्ती होगा उसमें आईटीआई 100% कंपलसरी कर दिया गया। बिना आईटीआई किए हुए आप ग्रुप डी में क्वालिफाई नहीं फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ग्रुप डी का भी अब बहाली जो होगा वो आईटीआई के तहत होगा, तो उसमें भी आईटीआई के बच्चे ही केवल जाएंगे। तो हमारे लिए फायदे की बात यह कि रेलवे में 1.5 लाख के आसपास बहाली हम लोगों के खाते में आ जाएगा। तो 10 लाख में से 1.5 लाख की बात करें तो केवल और केवल आईटीआई बच्चों के लिए रेलवे में रहेगा। इसके अलावा इसरो, डीआरडीओ, बार, तमाम जो सरकारी कंपनियां हैं भारत सरकार की, उन सभी में सीटें रिक्त हैं, उसमें भी बहाली आएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हम बात करें, मेट्रो की बात करें, तो तमाम जगह सीटें रिक्त हैं। और जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है स्टेट राज्यों में, वो राज्य भी लोकसभा के चुनाव के टाइम में बहाली देने का प्रयास करेगा। तो मात्र 1.5 साल टाइम बचा है लोकसभा चुनाव में, और 1.5 साल में 10 लाख बहाली हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया कि दिया जाएगा। और ऐसे में अगर आप बैठे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे नौकरी मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। आप बैठिए नहीं, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, तैयारी में लग जाइए। क्योंकि आप इंतज़ार करेंगे, फॉर्म आएगा तब फॉर्म भरेंगे, तब तैयारी करेंगे, तो तैयारी नहीं होगा। क्योंकि तैयारी के लिए समय देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, और कटऑफ ज़्यादा नहीं होता है, कटऑफ बहुत कम होता है। 50-60 नंबर लाकर आईटीआई से नौकरी ले सकते हैं, लेकिन वो 50-60 नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए या तो आप खुद से पढ़िए, या अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इजी वे कोचिंग आपके लिए तैयार है। 1 जुलाई से लाइव क्लास भी आ रहा है, तो लाइव क्लास को ज्वाइन करके भी स्टडी कर सकते हैं। और पूरी टीम, इजी वे का पूरी टीम ऑनलाइन आपके लिए तैयार हो गया है पढ़ाने के लिए। तो अब आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। 1.5 लाख भर्ती है, पहले पता चल गया है। और इंसान वही सफल होता है जो आने वाले समस्याओं का निदान पहले खोज लेता है। उसको फ्यूचर का पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है, वो इंसान सक्सेस कर जाता है। अब आपको पहले पता चल गया, 1.5 साल पहले बता दिया गया आपको कि बहाली आने वाली है 10 लाख, और उसमें आईटीआई छात्रों को मौका मिलेगा, तो फिर आप बैठे क्यों हैं, इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, क्यों करें, हम आपसे सवाल करें, क्यों इंतजार करें। आप लग जाइए, हो सकता है आपको नौकरी मिल जाए, प्रयास तो करके देखेंगे। इतना भी तो खर्च, पैसा नहीं खर्च हो रहे, बहुत ही मिनिमम फी में आपको पढ़ाया जाएगा। हो सकता है आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी लिखा हो, तो एक बार प्रयास कीजिए। और जो पढ़िएगा वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि टेक्निकल डिग्री है। कहीं भी प्राइवेट कंपनी में जाएगा, इंटरव्यू में 2 सवाल पूछेगा, आप चुप नहीं रहेंगे, आप बताएंगे तो आपको सैलरी अच्छा मिलेगा। नहीं बताएंगे, लेबर वाला काम पूरी ज़िंदगी करना पड़ेगा। इसीलिए पढ़ाई कहीं बेकार नहीं जाता है, मौका है पढ़ लीजिए। और चुनाव से पहले अगर आप रेडी हैं, अपने आप को तैयार कर लीजिएगा, तो इतना ना बहाली का संख्या रहेगा, कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिल जाएगा। तो आई होप आप मेरी बातों को समझे होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और कुछ भी डाउट है पढ़ाई से लेकर, लाइव क्लासेस को लेकर, या आपके मन में कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स खरीदने में कोई परेशानी हो रहा है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।